जब कोई चीज हमारे बहुत करीब होती है तो हम उसके महत्व को अंडरएस्टिमेट कर देते हैं, उसके अमेजिंग फैक्ट्स भी नज़रअंदाज हो जाते हैं। हमें जो बहुमूल्य लोकतंत्र मिला है उसे हम बहुत आसानी से ग्रांटेड मान लेते हैं, लेकिन हमें स्वयं को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही महान है और इस लोकतंत्र को हमारी रगों में जगह मिली है सदियों की साधना से, पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों से, एक विशाल व्यापक मन की अवस्था से। भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, 61 करोड़। यह संख्या हमें बहुत ही सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूं, अगर एक चीन को हम छोड़ दें तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया था। जितने मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया उनकी संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है, करीब दोगुनी है। भारत में कुल मतदाताओं की जितनी संख्या है वह पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है। यह हमारे लोकतंत्र की विशालता और व्यापकता का परिचय कराती है। 2019 का लोकसभा का चुनाव अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार के चुनाव संपन्न कराने में कितने बड़े स्तर पर संसाधनों और मानव शक्ति की आवश्यकता हुई होगी। लाखों शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की दिन रात मेहनत से चुनाव संभव हो गया। लोकतंत्र के इस महायज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जहां अर्धसैनिक बलों के करीब 3 लाख सुरक्षा कर्मियों ने अपना दायित्व तो निभाया, वहीं अलग अलग राज्यों के 20 लाख पुलिसकर्मियों ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की। इन्हीं लोगों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मतदान हो गया। मतदान के लिए पूरे देश में करीब 10 लाख पोलिंग स्टेशन, करीब 40 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन, 17 लाख से ज्यादा वीवीपैट मशीन, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा तामझाम। ये सब इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो। अरुणाचल प्रदेश के एक रिमोट इलाके में महज एक महिला मतदाता के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को वहां पहुंचने के लिए 2-2 दिन तक यात्रा करनी पड़ी। यही तो लोकतंत्र का सच्चा सम्मान है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र भी भारत में ही है। यह मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा इस चुनाव में गर्व से भर देने वाला एक और तथ्य भी है। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाओं ने पुरुषों की तरह ही उत्साह से मतदान किया है। इस चुनाव में महिलाओं और पुरुषों का मतदान प्रतिशत करीब करीब बराबर था। इसी से जुड़ा एक और उत्साहवर्धक तथ्य यह है कि आज संसद में रिकॉर्ड 78 महिला सांसद है। मैं चुनाव आयोग को और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारत के जागरूक मतदाताओं को नमन करता हूं।